अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मसाला चाप बनाएंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला चाप बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम सोयाबीन की चाप ली है। इसे इस तरह से हम स्टिक से बाहर निकालेंगे और इसमें कट लगाएंगे। ये हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इस तरह से सारी चाप को हमें इसी तरह से कट लगा लेने हैं। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं जिनको हमें ग्राइंड करना है। यहाँ गैस पर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने कुछ तेल लिया है। अब हम सारी चाप इसमें फ्राई करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इस तरह से हमें सारी चाप फ्राई कर लेनी है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हमें इसकी दोनों साइड से हमें साइड चेंज कर करके इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे निकाल कर साइड करेंगे और इसे दही से मैरिनेट करेंगे। मसाला चाप खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पर 1 कप दही ले रहे हैं जिसमें हमें इसे मैरिनेट करेंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए दही में डालकर मैरिनेट करेंगे। इस तरह से दही लगाकर रखने से चाप थोड़ी खट्टी खट्टी मज़ेदार सी बनती है। तो देखिए ये हो चुका है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम तेल ऐड कर रहे हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 3-4 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रहे हैं। ये हो चुका है। अब हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। तो देखिए इसका पानी खुश्क होने लगा है।
बस हम इसे 1-2 मिनट के लिए और इसी तरह से फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है, इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 टीस्पून। यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और 2 टीस्पून के बराबर यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, हमने 2 प्याज, बड़ी प्याज, बड़े साइज की प्याज ली है, जिसे हमने अलग से फ्राई करके उसका पेस्ट बनाया हुआ है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन सारे मसालों को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसे भूनेंगे। बस ये 2-3 मिनट में भूनकर तैयार हो जाएगा, तब इसमें हम पिसी हुई प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हो चुका है, इसमें हमने प्याज का पेस्ट ऐड किया है। बस इसे भी थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई होगा, तब तक हमारी चाप भी बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। तो देखिए मसाला एकदम भून कर तैयार है, इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई चाप इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें इस टाइम पर लो रखना है, लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसे लो फ्लेम पर ही 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिसे हमने अलग तवे पर रोस्ट करके रखा हुआ है। ये हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। अब हम इसे इसी तरह से लीड लगाकर कवर करके हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें और पकाना है, फिर हमारी चाप एकदम बनकर तैयार है। ये ऊपर से हमने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। चाप की ग्रेवी आप जितनी थिक रखना चाहें उतनी रखिए, नहीं तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इसे
तो देखिए माशाल्लाह चाप एकदम बनकर तैयार है। देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में भी इंशाल्लाह उतनी ही ये मज़ेदार होगी। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।